नमस्कार दोस्तों, ऑल टी टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता था कि आज जो है वो बीपीएससी कार्यालय में के पाठक महोदय पहुंचे हुए थे और वहां पर बैठक चली। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच बैठक जो चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। पटना बीपीएससी चेयरमैन के साथ के पाठक की मीटिंग तकरीबन एक घंटे चली। दोनों की मीटिंग, शिक्षा विभाग बीपीएससी के बीच के विवाद को ख़त्म करने की कोशिश, जल्द रिजल्ट जारी करने, प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर के हुआ मंथन। 1-5 में डीएलएड अभ्यर्थियों का जारी होगा रिजल्ट, बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा। इस प्रकार से न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से खबर आ रही है कि 1-5 में सिर्फ व सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो जारी होगा। तो प्राइमरी वाले बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक का फैसला लिया गया है। जो भी साथी हमारे बीएड किए हुए हैं, बिहार शिक्षक बहाली में शामिल हैं 1-5 में, उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। आज की बैठक में ये फैसला लिया गया। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बीच जो बैठक थी उसमें यही निचोड़ निकल के आया कि 1-5 डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और 1-5 में जो बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनका रिजल्ट जो है वो रोक के रखा जाए और सबका रिजल्ट जारी होगा। आप सभी जानते हैं 9, 10, 11, 12 कि जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा। बस अब बीपीएससी की तरफ से कोई लेटर जरूर आज जारी होगा। आप बने रहिए ऑल टी टी तैयारी चैनल के साथ। पल पल का अपडेट आप सभी को देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सर, धन्यवाद साथियों।